हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीप हियर एंड टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दिस नेम इज द पाइड पाइपर। चैप्टर नेम इज टू ऑफ क्लास फाइव। तो आज क्लास फाइव के सेकेंड चैप्टर जो एक स्टोरी है जिनका नाम है द पाइड पाइपर, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के बारे में। शो बने रहिए मेरे साथ और आप समझते चलिए कि आखिर ये स्टोरी है क्या। तो स्टोरी का नाम है द पाइड पाइपर। तो बच्चों, पाइड पाइपर क्या होता है? मतलब एक ऐसे व्यक्ति को इसमें पाइड पाइपर बोला गया है जो एक रंग बिरंगा कपड़ा पहने हुए था, रंग बिरंगे चितकबरा सा कपड़ा पहने हुए था और वो बांसुरी बजाने का काम करता था। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पाइड पाइपर। जो क्या होता है, कलरफुल ड्रेस पहने हुए थे और बांसुरी बजाता है, उसी को इसमें बोला गया है पाइड पाइपर। गॉट इट। हैमलिन इज अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी। जर्मनी एक कंट्री है, एक देश है, वहां एक छोटा सा टाउन था हैमलिन। द सेंटर ऑफ द टाउन इज ब्यूटीफुल एंड हैज मैनी वेरी ओल्ड बिल्डिंग। और उस टाउन के सेंटर के बीच की बात करें, साउंड अगर हम हैमलिन के बीच में जाए, उसके पूरे घूमे, तो बीच में हम पाएंगे कि वहाँ बहुत बहुत सुंदर सुंदर इमारतें हैं, बहुत पहले ज़माने के सुंदर सुंदर इमारतें हैं। हैमलिन स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ अ लार्ज रिवर। हैमलिन जो था वो बहुत बड़ी एक नदी थी, उसी के किनारे बसा हुआ टाउन था। With hills on both sides of it, और उस टाउन के दोनों किनारे पर hills थी। Hills means पहाड़ियाँ थी, वहाँ पर बहुत सारी, दोनों पहाड़ के बीचों में ये क्या था, एक छोटा सा खूबसूरत सुंदर सा हैमलिन टाउन बसा हुआ था। Outside the town there is a nature park, और टाउन के बाहर, शहर के बाहर एक नेचर पार्क था, मतलब कि जहाँ पे हरियाली ही हरियाली हो, जहाँ पे पेड़ पौधा, हम लोग को चिड़िया ये सब देखने को मिलता है, एक नेचुरल पार्क भी था। एंड द फार्मर ग्रो एक्सीलेंट क्रॉप्स इन दियर फील्ड्स, और वहाँ के किसान अपने खेतों में बहुत बढ़िया फसल को उगाते थे, मीन्स फसल वहाँ बहुत अच्छे तरीके से किया जाता था। हैमलिन इज मोस्ट फेमस फॉर द लेजेंड ऑफ द पाइड पाइपर ऑफ हैमलिन। हैमलिन जो है सो पाइड पाइपर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पाइड पाइपर मीन्स उस अतरंगी सी चितकबरा जो कलरफुल ड्रेस पहनने वाला बांसुरी वाला, के कारण ये हैमलिन टाउन बहुत ज़्यादा फेमस था। नो वन नोज, कोई नहीं जानता, इफ द स्टोरी इज ट्रू, बट मैनी पीपल विजिट हैमलिन टू सी द टाउन इन विच द पाइड पाइपर वॉक 700 ईयर्स अगो। बहुत को क्या होता है, इस कहानी पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन ये कहानी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, सच में ऐसा हुआ था। जो भी लोग हैमलिन गए हैं तो वो कितने साल पहले, 700 ईयर्स अगो, 700 साल पहले, 700 साल पहले जो भी लोग हैमलिन गए हैं वो वहाँ पे पाइड पाइपर को देखे थे। पाइड पाइपर मिस बांसुरी वाला को देखे थे। इट वॉज द ईयर 1284। हैमलिन हैड अ प्रॉब्लम दैट 1284 में हैमलिन एक बहुत बड़ा संकट में फंसा, एक समस्या में फंसा। वो किसकी समस्या में? रैट की समस्या में, चूहे की समस्या में वो फंसा। अब देखिए, चूहे की समस्या में कैसे फंस गया यह टाउन, वो देखने वाली बात है। द फार्मर्स ब्रॉट प्लेंटी ऑफ क्रॉप्स इन टू द टाउन, बट द रैट्स आर देम ऑल, देयर वेयर रेट्स रैट्स एवरीवेयर। गांव के जो, उस टाउन के जो किसान थे, बहुत सारे फसल को उगाए थे, उस टाउन में रखे हुए थे बहुत सारे अनाज को, लेकिन सारे अनाज पे चूहों का राज था, सारे जगह पे चूहा ही चूहा था। वो कहीं भी रखे अनाज को, सब में चूहा था, सर गली शहर सड़क हर एक जगह पे चूहा से पूरा क्या, पूरा टाउन भर चुका था। द मेयर ऑफ हैमलिन वॉज वरीड। जो वहाँ का मेयर था, जो सम्राट, जो राजा था हैमलिन का,
वो बहुत ज्यादा चिंतित था ये सारे चीजों को देख के कि वहां की जनता रैट से काफी ज्यादा परेशान थी। ही पेड पीपल टू कैच द रैट्स। वहां के मेयर लोगों को पैसा देते हैं उस रैट्स को पकड़ने के लिए, उस चूहे सबको पकड़ने के लिए। बट देयर वेयर जस्ट टू मैनी रैट्स। लेकिन यहाँ वहाँ बहुत सारे रैट थे। द मेयर डिड नॉट नो वाट टू डू। मेयर को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और लोगों के लिए पकड़ना उस सारे चूहे को आसान नहीं था। द पीपल ऑफ हैमलिन वेयर गेटिंग एंग्री। और हैमलिन के लोग यह सब देखकर बहुत ज्यादा गुस्से हो गए मेयर पर कि मेयर क्यों कुछ नहीं कर रहा है, हम लोग इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, ये मेयर की ही जिम्मेवारी है हम लोग को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना। सो लोग बहुत ज्यादा क्या है, गेटिंग एंग्री मीन्स बहुत ज्यादा क्रोधित हो चुके थे। दे वंडर्ड व्हाट द मेजर वाज डूइंग टू गेट रिड ऑफ द रैट्स। वो लोग सोच रहे थे कि मेयर कैसे इस चूहे से हम लोगों को छुटकारा दिवाएगा। गेट रीड मतलब होता है बच्चों छुटकारा पाना, किसी भी चीज से छुटकारा पाना। तो यहाँ क्या है, गेट रीड ऑफ रैट्स मीन्स रैट से, चूहे से छुटकारा पाना। वो क्या करेगा मेयर, क्या कर रहा है चूहे से छुटकारा पाने के लिए, वहां के लोग सोच रहे थे। आई हैव लिव्ड इन हैमलिन ऑल माई लाइफ सेड वन। मेयर के पास जाकर एक बोलता है कि मैंने जिंदगी में कभी भी हैमलिन में इतना सारा चूहा एक साथ नहीं देखा। एंड आई हैव, ये आई और स्लैश भी ई है ना, इनका मतलब है। आई हैव नेवर सीन सो मैनी रैट्स। दे आर ई मतलब आर है, दे आर ईटिंग ऑल द फूड इन माई किचन सेड अनदर। दूसरा कहता है कि ये चूहे मेरे किचन के सारे खाना को खा गए। मिस आप गांव उस टाउन के कहीं भी किसी भी कोने में देखो, सब जगह पे रैट ही रैट था। दे आर क्राउलिंग ओवर मी When I sleep, said the third। और तीसरा कहता है कि जब मैं सोते रहता है तो वो मेरे ऊपर कूदते रहता है, क्राउलिंग करते रहता, कूद फान करते रहता है। इतना ज्यादा आतंक मचा हुआ था चूहे का। यू मस्ट डू समथिंग अबाउट इट। और मेयर को सब बोलता है कि तुम्हें अवश्य, आपको अवश्य ही कुछ करना चाहिए इन चूहों को। दे ऑल शाउटेड एट द मेयर। सभी जाकर मेयर के सामने हल्ला कर रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमको कैसे भी करके इससे छुटकारा दिलाइए। बट वाट कैन आई डू, आस्क द मेयर। मेयर बोलता है लेकिन मैं क्या करूं, आई एम पेइंग 10 पीपल एवरी डे टू कैच रैट्स, बट इवन माई बेस्ट कैट रैट कैचर्स कांट मेक द रैट्स गो अवे। और वो मेयर बोलता है कि मैं अब क्या करूं, मैं प्रतिदिन 10 आदमी को भेजता हूं उस चूहे को पकड़ने के लिए, उस रैट को पकड़ने के लिए जो सबसे बेस्ट होता है रैट कैचर्स। रैट कैचर्स मतलब जिसको महारत हासिल होता है चूहे पकड़ने में, होता है ना, कोई होता है कि पक्षी को पकड़ने, बर्ड्स को पकड़ने वाला होता है, कोई मछली पकड़ने वाला होता है, उसी तरह चूहे को जो पकड़ने में जो सातिर आदमी था, वो 10 वैसे आदमी को मेयर हर रोज भेजता था, उसको पैसे देता था। लेकिन फिर भी क्या है, वो लोग सारे चूहे को भगा नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा चूहा था। गो अवे मतलब भगाना। इफ यू डोंट गेट रीड ऑफ द रैट्स वी विल चूज अ न्यू मेयर, द पीपल सेड। लोग कहते हैं कि अगर आप मुझे, अपने राजा को, मेयर को बोलते, अगर आप मुझे इससे छुटकारा नहीं दिलाओगे तो मैं अपना दूसरा राजा चुन लूंगा। जस्ट देन ए स्ट्रेंज पर्सन अराइव इन हैमलिन। और उसके बाद गांव में एक अजनबी जो पहले कभी नहीं उसको उस हैमलिन शहर में देखा गया था, वो आता है उस शहर में। स्ट्रेंज मतलब क्या होता है बच्चों, अजनबी, जिसको कोई वहां का नहीं जानता है। ही वॉज टॉल एंड थिन। वो लंबा और पतला था देखने में, विथ अ लॉन्ग एंड सीरियस फेस। उसका मुंह लंबा था और वो सीरियस फेस था, मतलब हंसी नहीं था, हमेशा वो सीरियस स्वभाव का था। ही वोर अ कोट ऑफ मैनी कलर्स एंड अ टॉल रेड हैट ऑन हिज हेड। वो बहुत ही बहुत सारे कलर का ड्रेस पहने हुआ था, बहुत
बहुत सारे कलर, बहुत अतरंगी कलर का वो कपड़े पहने हुए था और अपने सर पे एक लाल रंग के टोपी लगाए हुए था वो इंसान। इन हिज हैंड ही हेल्ड ए लॉन्ग थिन पाइप, और वो अपने हाथ में एक पतला सा बांसुरी लिए हुए था। पाइप यहाँ कहने का मतलब बांसुरी, फ्लूट मीन्स बांसुरी होता है, यहाँ पाइप का मतलब भी बांसुरी ही है। एवरीवन वॉच्ड हिम एज ही क्रॉस्ड द ब्रिज एंड वॉक्ड थ्रू द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द टाउन। सभी लोग उसे जाते हुए देख रहे थे सड़क के एक पतले रास्ते पर। वो सड़क के एक पतले रास्ते से होकर हेमलिन शहर में जा रहा था, उसको जाते हुए बहुत सारे लोग देख रहे थे। हु इज दैट स्ट्रेंजर मैन, दे ऑल आस्क। सभी एक दूसरे से पूछ रहे कि ये अजनबी आदमी है कौन। नहीं होता है कभी कभी कोई गांव में या कहीं पे नया आदमी आता है तो सब में एकदम सब एक दूसरे से पूछने लगता है कि ये कौन है ये कौन है। एकदम वैसे ही माहौल बन गया था उस हैमलिन टाउन के अंदर, सब जानना चाह रहे थे कि ये है कौन। वेयर इज ही फ्रॉम एंड वेयर इज ही गोइंग। लोग बोल रहे थे ये कहाँ से आया है और कहाँ को जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, लोग ये जानना चाह रहे थे। द मैन वॉक स्लोली थ्रू द स्ट्रीट्स, और वो आदमी धीरे 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 उस चौराहे से उस रास्ते से होकर आगे बढ़ रहा था, जा रहा था। ही डिड नॉट लुक एट द पीपल, ही डिड नॉट लुक। वह को किसी भी लोग के ऊपर नहीं देख रहा था, सिर्फ अपने में मगन होकर वो सीधा जा रहा था, किसी भी आदमी को वो देख नहीं रहा था। ही डिड नॉट लुक, वह किसी को नहीं देखा। ही डिड नॉट लुक एट द रैट्स, ही वॉक स्ट्रेट टू द मेयर्स ऑफिस एंड नोक ऑन द डोर। वह डायरेक्ट कहाँ चला गया, मेयर के ऑफिस में चला गया जहाँ पे मेयर रहता था, और जाके दरवाजा को खटखटाता है। नॉक मिस होता है दरवाजे को खटखटाना। हु आर यू आस्क्स द मेयर। दरवाजा खटखटाने के बाद मेयर दरवाजे को खोलता है और पूछता है हु आर यू, तुम कौन हो। आई एम पाइड पाइपर, और वो बोलता है मैं पाइड पाइपर हूँ, मतलब मैं एक बांसुरी बजाने वाला हूँ। रिप्लाइड द स्ट्रेंजर मैन, वो अजनबी बोलता है मैं बांसुरी बजाने वाला हूँ। आई सी डैट यू हैव अ लॉट ऑफ रैट्स इन हेमलिन, वो बोलता है कि मैंने यहाँ देखा है बहुत सारे चूहे हैं इस हेमलिन शहर में। कौन, वो इंसान बोलता है मेयर से, इफ यू पे मी 500 गिल्डर्स आई विल गेट रिड ऑफ ऑल योर रैट्स। वो बोलता है आदमी अगर तुम मुझे 500 सिक्के देते हो, 500 मुद्रा देते हो, तो मैं तुम्हें इस चूहे से छुटकारा दिला दूंगा। वो स्ट्रेंजर बोलता है मेयर से। तो देखिए आगे क्या होता है, वो कितना 500 गिल्डर्स का डिमांड किया है, याद रखिएगा। द मेयर वॉज अमेज्ड एंड हिज माउथ फेल ओपन। तो मेयर ऐसा सुन के उसका मुंह खुला का खुला रहेगा कि इतना ज्यादा पैसा का ये डिमांड कर रहा है एक चूहे को भगाने के लिए। हाउ कैन यू डू डैट, ही आस्क्ड। तो मेयर ने पूछा अच्छा चलो लेकिन तुम यह सब कैसे करोगे, मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे रैट कैचर को उसके पीछे लगाया था, अपना बेस्ट रैट रैट कैचर को लगाया था, तो वो 10-10 आदमी रोज जाता था वो नहीं भगा पाया, तुम अकेले ऐसा क्या कर लोगे सो तुम चूहे को भगा दोगे और हम लोगों को छुटकारा दिला दोगे। वेट एंड सी, वो स्ट्रेंजर बोलता है रुको और देखो। रिप्लाइड द पाइड पाइपर, डू यू प्रॉमिस टू पे मी 500 गिल्डर्स। वो बोलता है कि तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे 500 सिक्का दोगे, 500 मुद्रा दोगे, तब हम ये करके तुम्हें दिखा देंगे। यस क्राइड द मेयर। तो मेयर चिल्ला के बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें दे दूंगा इफ यू फ्री माई टाउन्स फ्रॉम रैट्स। तो फ्री माई टाउन्स फ्रॉम रैट्स कहने का मतलब है मेयर कहता है कि हाँ मैं तुम्हें जो तुम 500 गिल्डर्स मांग रहे हो, हाँ मैं तुम्हें उतना दे दूंगा अगर तुम हम लोग को अगर इस चूहे से छुटकारा दिला दोगे तो। द पाइड पाइपर टर्न एंड वॉक आउट ऑफ द मेयर्स ऑफिस, और वो प्रॉमिस करवा लिया पाइड पाइपर मेयर से और वहां से वो घूमता है और वो ऑफिस के बाहर निकलने लगा।
Then he lifted his pipe to his lips and blew. और वो एक पाइप जो अब रखा हुआ था, पाइप को जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ये पाइप को उठाता है, निकालता है अपने अंदर से और अपने लिप के पास लेकर इसको फूकना शुरू करता है, बजाना शुरू करता है. इट वॉज द स्ट्रेंजेस्ट म्यूजिक एनी वन हेड एवर हियर. यह बहुत ही चमत्कारी, एकदम मन को मोहने वाला ये म्यूजिक था. इससे पहले कभी भी कोई व्यक्ति ऐसा म्यूजिक अपने जिंदगी में नहीं सुना था. कुछ ऐसा म्यूजिक उस पाइप उससे निकल रहा था, उस पाइपर से. एट फर्स्ट नथिंग हैपेंड बट देन देर वॉज अ रसलिंग एंड अ स्क्यूलिंग एंड अ स्क्यूरिंग नॉइज. रैट्स एंड माइस केम रनिंग आउट ऑफ द हाउस. पहले बजाया तो कुछ नहीं हुआ, एट फर्स्ट नथिंग हैपेंड, मतलब शुरू में जब बजाया तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा, इतना ज़्यादा वो प्यारा लग रहा था, इतना अच्छा उसका शोर, उसका आवाज़ लग रहा था कि रैट्स एंड माइस. रैट्स कहने का मतलब चूहा, अब माइस कहने का मतलब होता है चूहिया. तो जितना भी चूहा चूहिया था वो सब क्या होगा, आउट ऑफ द हाउसेस, जंपिंग आउट ऑफ विंडोज, टम्बलिंग डाउन एंड फॉलिंग ओवर एंड अदर. क्या हुआ कि जितने भी चूहा चूहिया थी सब क्या है, घर के ऊपर से, कोई दरवाजे के ऊपर से, कोई खिड़की के ऊपर से बाहर की ओर नीचे कूदने लगा. फॉलिंग ओवर वन अनदर, एक दूसरे को, इतना ज़्यादा चूहा चूहिया था कि सब एक दूसरे के ऊपर कूदने लगा. बिग रैट्स, लिटिल रैट्स, फैट रैट्स, थिन रैट्स, दे ऑल रश टू गैदर राउंड द स्ट्रेंजर पाइपर. बड़ा चूहा, छोटा चूहा, मोटा चूहा, पतला चूहा, सारे चूहा क्या है, उस स्ट्रेंजर पाइपर के पीछे पीछे आने लगा. उसका म्यूजिक उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगा उस रैट्स को कि वो क्या हो गया, वो मोहित हो गया और उसके पीछे सारे चूहे एक लाइन से आने लगे. और वो सारे चूहे को क्या हुआ, अपने बांसुरी को बजाता हुआ उस शहर से बहुत दूर ले गया और शहर के बाहर उसको रखा आया. वो क्या, वो शहर के बहुत दूर एक रिवर था, उसी रिवर में सारे चूहे चले गए, उसी में सारे कूद गए. तो इस तरह से वो क्या किया, वो हैमलिन टाउन को चूहे से छुटकारा दिला दिया. गॉट इट. फिर है You must keep your promise. तो फिर आता है वो स्ट्रेंजर, वो पाइड पाइपर आता है और मेयर के सामने बोलता है कि तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद होना चाहिए. बट द पीपल ऑफ हैमलिन स्टार्टेड टू लाफ. लेकिन हैमलिन के जो भी व्यक्ति थे, आदमी थे, वे ये सब सुनकर क्या हंसने लगे उस पाइड पाइपर पे. वी डोंट हैव टू पे फाइव We don't have to pay him 500 guilders. They shouted. वो क्या कहता है कि हम लोग उसे एक छोटे से मामूली चूहे को भगाने के लिए हम उसको 500 guilders नहीं दे सकते. बच्चों हम लोग जैसे रुपया बोलते हैं इंडिया में, कहीं पे डॉलर बोला जाता है, उसी तरह जर्मनी में guilders बोला जाता है पैसे को. तो वो बोला कि हम लोग इस छोटे से काम के लिए हम उसको 500 सिक्के नहीं देंगे. सभी चिल्लाने लगे. We don't have to pay him 50 guilders either. वो सब बोलते हैं हम तो यहाँ तक उसको 50 सिक्के भी नहीं दे सकते हैं. अब वो 500 की बात कर रहा है. The rats have all gone. सारे चूहे क्या हो गए, चले गए थे शहर से बाहर. What can he do to hurt us? सब लोग सोचेगा अब तो चूहे सारे चले गए हैं, वो अब तो हमको, हम लोगों को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, हम लोग उसको पैसा नहीं भी देंगे तो क्या वो मेरा कर लेगा, अब थोड़ी ना फिर से चूहा वापस आ जाएगा. गिव हिम 5 guilders एंड टेल हिम टू गो बैक टू द हिल्स. वो सारे बोलते हैं कि उसे, मेयर को बोलते हैं कि आप उसे 5 सिक्के दीजिए और बोलिए कि वापस जिस हिल से आया था, जिस पहाड़ी से आया था, उसी पहाड़ी में वापस लौट जाए. बच्चों देख रहे हैं उसके साथ कैसे विश्वासघात किया गया. द पीपल्स आई नैरोड. और पीपल्स का, उस बांसुरी वाला का क्या हो गया, आँख क्या हो गया, बहुत उसका नम हो गया, बहुत ज़्यादा वो सैड हो गया. इफ यू ब्रेक योर प्रॉमिस आई विल प्ले अ डिफरेंट टोन ही वांड.
तो वो पाइड पाइपर बच्चों बोलता है उसको कि अगर तुम अपना प्रॉमिस नहीं पूरा करोगे, तुम जो प्रॉमिस किए हो 500 सिक्के का, अगर हम मुझे नहीं देते हो तो मैं इसका बदला अलग तरीके से लूंगा। वो उसको वार्न करता है, उसको चेतावनी देता है लोगों को। फाइव गिल्डर सेड द मेयर होल्डिंग 5 गोल्ड कॉइन्स इन हिज हैंड, टेक योर मनी एंड गो। और मेयर क्या है, उसके हाथ में 5 सोने के सिक्के थमा देते हैं और उसको जाने के लिए बोल देते हैं। बोले गो बैक, वापस जाओ, 5 5 सिक्के पकड़ो और चलो यहां से निकलो। द पाइपर शूक हिज हेड स्लोली। और पाइपर क्या है, वहां से अपना हेड को, अपने सर को मोड़ा और क्या हुआ, हेड अपना नीचे करके, उदास करके, जैसे हम लोग उदास होते हैं तो अपने सर को नीचे नहीं कर ले, उसी तरह से वो सर को नीचे करके स्लोली स्लोली जाने लगा। ही डिड नॉट टेक द मनी, वो पैसा नहीं लिया। इंस्टेंट ही लिफ्टेड हिज पाइप टू हिज लिप्स एंड ब्लू। वो पैसा बच्चों, अब कहाँ पे प्रॉमिस था 500 सोने के सिक्के और वहां मिला 5 सिक्के, तो वो बेचारा नहीं लिया, अपने सर को नीचे किया और धीरे से चलना स्टार्ट किया और फिर से उसी अपने पाइपर को, उसी बांसुरी को बजाने लगा, बजाते हुए जाने लगा। दिस टाइम ही प्लेड अ डिफरेंट ट्यून, और इस बार उससे एक अलग ही म्यूजिक निकला। इसका ट्यून इस बार अलग था, जो पहले जैसा बजाया था उस वैसा नहीं था। इट वॉज द स्ट्रेंज म्यूजिक अगेन, और यह फिर से लोगों के लिए एक रहस्यमय म्यूजिक था, जो लोग इसे फिर भी, ये भी म्यूजिक इससे पहले कभी वो नहीं सुने थे। एट फर्स्ट नथिंग हैपेंड, फिर से पहली बार में तो कुछ नहीं हुआ। बट वेन देयर वॉज अ नॉइज ऑफ रनिंग एंड शाउटिंग एंड लाफिंग चिल्ड्रेन केम रनिंग आउट ऑफ हाउस। और जब वह जोर जोर से उसी को बजाने लगा तो क्या हुआ, सारे बच्चे खुश हो गए और अपने घर से रनिंग आउट ऑफ द हाउसेस, लिपिंग थ्रू द डोर्स वेज, जंपिंग डाउन द स्टेप्स एंड स्कीपिंग अलोंग द स्ट्रीट। और सारे बच्चे खुशी होकर अपने घर से निकलने लगे, अपने दरवाजा को खोल के निकलने लगे, कूदते फांदते हुए चौराहे पर आए और उस पाइड पाइपर के पीछे लग गए उस आवाज को सुनने के लिए, क्योंकि बच्चों को सुनने में वो साउंड बहुत प्यारा लग रहा था। बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम 5 ईयर्स ओल्ड, और वो लड़का लड़की, वो जो बच्चे थे छोटे छोटे, वो महज 5 से 5 to 15 ईयर्स, वो सारे 5 से 15 साल के बीच के थे, लगभग सबका उम्र इसी बीच में था। दे ऑल रश टूगेदर राउंड द स्ट्रेंजर पेपर, और वहाँ सभी लोगों का, वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गया था बच्चे लोगों का, वो सारे क्या हो गए, स्ट्रेंजर के चारों ओर से घेर लिए। द पाइड पाइपर वॉक स्लोली थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ हैमलिन एंड द चिल्ड्रेन फॉलोड हिम लाफिंग एंड डांसिंग टू हिज म्यूजिक। और वो पाइड पाइपर बजाते हुए अपने बांसुरी को धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लोग भी जो बच्चे थे वो भी उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करके जा रहे थे, उसके पीछे पीछे सारे हंस रहे थे और उस म्यूजिक पे डांस कर रहे थे, मस्ती में सब आगे बढ़ रहे थे। डियर पेरेंट्स वेयर हॉरिफाइड, और उसके पेरेंट्स लोग जब यह जाने तो सब बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, बहुत डर गए कि मेरे बच्चे आखिर गए कहाँ। स्टॉप कम बैक टू कम बैक एट वंस दे क्राई, और सारे पेरेंट्स डर गए और अपने बच्चों को बोलते तुम लोग रुक जाओ और चलो वापस, अब बस हो गया, चलो वापस घर चलो। सारे क्राइड, सारे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे अपने बच्चों, रो रो के बोल रहे थे। बट द चिल्ड्रेन डिड नॉट स्टॉप, लेकिन बच्चे नहीं रुके। एंड दे डिड नॉट कम बैक आइदर, और बच्चे नहीं रुके, और इस तरह से क्या हुआ, वो आगे बढ़ते चले गए और फिर से कभी वो लौट के नहीं आए बच्चे। वो पाइड पाइपर के साथ पता नहीं कहाँ चले गए, पेरेंट्स के लाख समझाने बुझाने पे वो लौट के नहीं आए और सारे पाइड पाइपर के साथ चले गए। डोंट लिसन टू हिज म्यूजिक, डोंट फॉलो द पाइपर, द पेरेंट्स के, उसके पेरेंट्स चिल्लाते रहे कि तुम उसके म्यूजिक को मत सुनो, तुम उस पाइपर के पीछे मत जाओ, तुम उस बांसुरी वाला के पीछे मत जाओ। बट द चिल्ड्रेन पेड नो अटेंशन, लेकिन बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में थोड़ा भी बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। दे फॉलोड द पाइप आउट ऑफ द ईस्ट गेट ऑफ द टाउन अप अ हिल साइड
एंड इंटू अ ग्रेट केव। और सारे बच्चों ईस्ट मिस ईस्ट में एक गेट था, मतलब पूरब दिशा में एक गेट था टाउन के पास, टाउन में जो एक जो हैमलिन टाउन था उसके ईस्ट में, उसके पूरब में एक गेट था, उसी गेट से क्या हुए वो ऊपर की ओर पहाड़ पे चले गए, सारे बच्चे पहाड़ पे चले गए एंड इंटू अ ग्रेट केव। और उसके अंदर पहाड़ से बना हुआ एक बहुत बड़ा गुफा था, उस गुफा के अंदर सारे बच्चे एक एक करके चले गए, दे नेवर केव बैक, और वो लौट कर फिर से कभी नहीं आए। नाइदर द पाइड पाइपर नॉर द चिल्ड्रेन वेयर इवेंट्स अगेन। और आज तक बच्चों, ये कहानी कब की थी, 1284 में ये घटना घटी थी, और आज तक वो पाइड पाइपर और बच्चे लौट कर नहीं आए दोबारा। ओनली वन लिटिल बॉय कम बैक, ही फेल्ट कोल्ड एंड ह्यूरिड कम टू गेट हिज कोट। बस एक बच्चा ही वहां से वापस लौट के आया जिसे क्या बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, और वो क्या हुआ वो उसको बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था तो वो एकदम जल्दी से अपने घर पे आता है और कोट को पहनता है वो बच्चा। देन ही रैन बैक टू कैच अप विद द पाइड पाइपर एंड द अदर चिल्ड्रेन। और वो क्या करता है, सभी को उस पाइड पाइपर और बच्चे के बारे में बताता है। बट वेन ही गोट द केव द पाइपर एंड द चिल्ड्रेन हैड डिसअपीयर। वो जब लौट के एक बच्चा वहां से आया तो सारे पेरेंट्स को बताया कि वो बच्चे के साथ क्या किया है और वो बच्चे कहाँ है, तो पेरेंट्स लोग उसके साथ गए, मेयर भी उसके साथ गए, लेकिन जब वहां पे गए तो लोगों ने पाया नहीं तो वहां पे पाइपर है और नहीं चिल्ड्रेन है, सब क्या कर डिसअपीयर हो चुके थे, वहां से गायब हो चुके थे। ही बर्स्ट इनटू लेस एंड वॉक सैडली बैक टू द टाउन। और सारे नाराज होकर के अपने मन को कुंठित करके, मन से उदास होकर के अपने टाउन में फिर से सारे लोग वापस आ गए धीरे धीरे। द पाइपर प्रॉमिस टू लेड अस टू अ वंडरफुल न्यू कंट्री ही सेड। और उस पाइपर के बाद लोगों ने जो प्रॉमिस तोड़ा था वहाँ के बाद लोगों का सोच एकदम बदल गया था और लोग को बहुत बुरा लग रहा था कि हमें पाइड पाइपर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और लोग उसके बाद लोगों का सोच बदल गया और फिर से वो लोग कभी किसी का प्रॉमिस नहीं तोड़े और वो एक नया देश बन के उभरा। हिज म्यूजिक मेड मी सो हैप्पी नाउ ही हैज गॉन माई फ्रेंड्स हैव गॉन टू। और वो क्या है, वो म्यूजिक सबको बहुत प्यारा लग रहा था और इस तरह से क्या बोलता है, वो मेरा दोस्त था वो चला गया। द मेयर सैट डाउन एंड हेल्ड हेड इन हिज हैंड। वी हैव लॉस्ट ऑल आवर चिल्ड्रेन बिकॉज आई ब्रॉक माई प्रोमिस क्राइड। और क्या हुआ, मेयर जो था अपने सर को अपने हाथों पर रख लेता है और वो पछताने लगता है और वो बोलता है कि हमारे सारे बच्चे खो गए, वो चले गए, सिर्फ मैंने उस पाइड पाइपर का प्रॉमिस कर तोड़ दिया इसलिए। और बहुत जोर जोर से वो मेयर रोने लगता है और उसे अपने किए पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत किए हैं और ये हमारी गलती की ही सजा थी, हमें ऐसे पाइड पाइपर के साथ नहीं करना चाहिए। वो एक बहुत अलग अंदाजों में लोगों से बदला लिए। ठीक, तो बच्चों इस स्टोरी से आपको यही समझ में आया होगा कि हमें अगर कोई किसी को हम प्रॉमिस करते हैं तो हमें उस प्रॉमिस को ब्रेक नहीं करना चाहिए, उनके प्रॉमिस को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो वो हमें हार पहुंचा सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जैसे कि हैमलिन टाउन में पाइड पाइपर ने लोगों से जिस अंदाज में बदला लिया था। होपफुली आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, अब पसंद भी आया होगा, बहुत ज़्यादा आपको इसे नॉलेज भी मिला होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बेल आइकन को, जो घंटी वाला बटन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन एंड आंसर अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप घर बैठे क्वेश्चन एंड आंसर कर सको।